हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बहुत आसान होता है। आइए क्विकली इसके इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लगेगा एक आलू, जो हम थोड़ा बड़ा क्यूब में काट लेंगे, एक शिमला मिर्च, एक कटा हुआ प्याज, एक कटी हुई टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 टेबल स्पून दही, कोरिएंडर, एक आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर, एक एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून बेसन। पैन को गर्म होने के लिए रखते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म होता है, हम इसमें शिमला मिर्च और आलू को डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाए। थोड़ा सॉल्ट हम ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से पक जाता है, बट ध्यान रहे हमें इसे पूरा नहीं पकाना है। अब हम इसे जब तक पकने हैं, जब तक ये ब्राउन हो जाए। देखिए ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में वापस से ऑयल ऐड करेंगे। इस टाइम ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। जैसे ऑयल गर्म होता है, हम इसमें राई ऐड करेंगे और राई के चटकने का वेट करेंगे। जैसे राई चटकने लगे, हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। और प्याज अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ब्राउन होते तक, गोल्डन ब्राउन होते तक इसे पकने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन डालने से प्याज जो है बहुत आसानी से पक जाते हैं और साथ साथ बेसन भी भून जाता है, इसलिए बेसन आप ज़रूर ऐड करें। इस टाइम पे आप चाहते हैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल ऐड कर सकते हैं। हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, पिंच भर, जो प्याज को पकने में हेल्प करता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आप ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। लगभग 1 मिनट ढकने के बाद आप देख सकते हैं ये पक चुका है। हमने यहाँ थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, क्योंकि मसाले के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। आप चाहे तो इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये झाग है, ये नारियल के ऑयल का है, क्योंकि हम यूजुअली नारियल का ऑयल भी यूज़ करते हैं खाने के लिए। जैसे ही हमारे टमाटर पक जाए, हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे ही मसाला और ऑयल अलग होने लगे, हम इसमें बचे हुए मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पक रहा है। अब जो बचा हुआ नमक था, हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इससे जो है जो सब्जी है उसमें एक हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आता है, जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है।
दही डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करिए और अच्छे से मिक्स करें। और अब हम इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है और ऑयल जो है वो मसाला छोड़ने लगा है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और आलू को ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस टाइम पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें। अब हम थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के इसे मिक्स करेंगे और कवर कर और ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं सब्जी जो है वो पक चुकी है और बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी बहुत धीमी धीमी खुशबू आ रही है और दिखने में बहुत लजीज दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। क्विकली हम इसे बाउल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे गरम गरम सर्व करिए और पराठे, रोटी या नान के साथ खाइए, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू।